हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो मेंसुरेशन में जो है परीक्षाओं में पूछे गए उसके जो है आपको यहाँ पे एनालिसिस लाया गया है। तो इसी तरह जो है चैप्टर वाइज जो आपके लिए एनालिसिस जो है कुछ कुछ समय पे जो आपको मिलते जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आपका किसे क्वेश्चन पूछा गया था, बेलनाकार, यानी कि आपसे किसे सिलेंडर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वक्र जो है बेलनाकार का वक्र पे क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1232 मीटर स्क्वायर दिया गया और उसकी ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। तो आपसे पूछा क्या गया था, आयतन पूछा गया था। सबसे पहले जो है सिलेंडर का जो है क्या आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेटरल सर्फेस एरिया यानी कि वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है। और आपका टोटल सरफेस एरिया जो है क्या होता है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh + 2πr² आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 दिया गया था। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। पाई का मान आप क्या करेंगे, 22/7 लिख देंगे। r आपको निकालना है पहले, h का मान कितना दिया गया है, 14 मीटर स्क्वायर। और आपका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1232। यहाँ पे जो क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 11 दुनी 22, इधर 11 दुनी 22, 14 से काटेंगे तो 14 से 8 बार में आपका चला जाएगा, 2 दुनी 4, यहाँ पे कितने बार में चला गया, 2 बार में। यानी कि आर आपका यानी कि त्रिज्या कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। तो अब आपको जो है ऊंचाई भी पता है, यहाँ पे रेडियस भी आपको पता हो गया, तो वॉल्यूम जो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान क्या करेंगे, 22/7 लिख देंगे। आर आपका यहाँ पे कितना है, तो 14, तो 2 बार क्या करेंगे, 14 से गुना कर देंगे। और जो है हाइट भी आपका क्या दिया गया था, 14, तो 14 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7 दुनी 14, 22 दुनी 44 हो गया, 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे जो है गुना करके देख लेंगे, 6 चौक 24, 19 दुनी 38 दुनी 76, 784। यहाँ पे आपके आ गया 4, 8 4 12, 8 7 15, 16, 7 1 8, यानी कि 8624 जो है इस बेलन का आयतन हो गया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया था, एक इसी तरह का क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए यहाँ पे लाया गया, ताकि जो आपके आने वाले परीक्षाओं में जो है आपको आसानी से बना सके। इसमें बोला गया कि एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 308 मीटर है। ये जो आपका क्वेश्चन एक तरह से जो है ये क्या है, क्वेश्चन है डेमो है, पिछला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो आपका डेमो के रूप में है, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई दिया गया, यहाँ भी जो आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ पे जो है आयतन का आपको फॉर्मूला, यहाँ पे जो है पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2π आपका आर एच था। तो आर आपको पहले यहाँ पे निकालना है, एच कितना है, 7 मीटर है। और आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 308। यहाँ पे देख लेंगे, 11 दुनी 22, 11 दुनी 22, 11 8 88, 7 चौक यहाँ पे कितना हो गया, 28 कट गया। यानी कि आपका आर कितना आ गया, 7। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर आपका क्या आ गया, 7 आ गया, तो 2 बार 7 गुना कर देंगे। और ऊंचाई कितना आपका, 7 आ गया, तो 7 से 7 चला गया, 7 से 49 दुनिया 98। और आपका यहाँ पे हो गया 98, यानी कि 8, 9, 17, 10, 1। तो यहाँ पे 1078 जो है क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो है आपको डेमो क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो आपको एक जो है रेक्टेंगल से आपको देखने को मिला था, किससे देखने को, रेक्टेंगल को देखने से मिला था। उसमें दिया गया था कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:1 है। और उसका परिमाप दिया गया था, और उससे पूछा क्या गया था कि एरिया क्या होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब भी उसका परिमाप जो है, रेक्टेंगल का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है, जो कि कितना दिया गया, परिमाप 48 दिया गया। तो 2 से यहाँ पे जो है 24 हो गया। यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया था, 2:1। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक 2x मान लेंगे, ब्रेथ को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 2x और x आपका कितना हो गया, 3x = जो है आपका क्या हो गया, 24। यानी कि x का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे x का मान आपसे 8 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई जो है आपका फॉर्मूला होता है एरिया का। तो यहाँ पे एक साइड जो है लेंथ जो है कितना माना गया था, 2x। तो x में 2 गुना कर देंगे तो लंबाई आपका कितना आ जाएगा, 16। और आपका चौराई से जो है x का मान जो है 8 है, तो 8 जो है चौराई यहाँ पे आपका आ गया, 16 ठीक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 128, जो कि आपका ये रेक्टेंगल का जो है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है आपका कितना आ जाएगा, 128। तो ये जो आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में इस बार जो है आए हैं। तो अगला क्वेश्चन एक डेमो के रूप में है, वो भी जो आप देख लेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में जो है
लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आयत के दो संलग्न भुजाएं जो है यहाँ पे कितना दिया है, इतना अनुपात में ही दिया गया। यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन में परिमाप दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो आपको बोला गया कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ गुने ब्रेथ यानी कि लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे एक को क्या मान लेंगे 4x और दूसरे को क्या मान लेंगे 3x, कितना दिया गया 192 मीटर स्क्वायर जो है फॉर्मूला में दिया गया है, यानी कि मीटर जो है दिया गया है स्क्वायर। तो 4 × 3 = 12, 12 से यहाँ पे काटेंगे तो एक बार में 12 × 6 = 72, x स्क्वायर हो गया 16, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 4, यानी कि एक जो है भुजा जब x को जो है 4 से गुना करेंगे तो 4 × 16, एक भुजा जो है लंबाई कितना आ गया 16 आ गया, और दूसरी भुजा जो है चौड़ाई जो है कितना आ जाएगा, चौड़ाई जो आपका कितना आ गया 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12 जो आपका क्या आ गया चौड़ाई आ गया। तो आपको जो है परिमाप का फॉर्मूला बताया गया था 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है, तो यल प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा आपका 28, जो कि आपका परिमाप कितना हो जाएगा 28 × 56, आपका परिमाप कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे भी जो इसी तरह के वीडियो जो है आपको चैप्टर वाइज जो है जो आपको पूछा गया परीक्षा में, एक दो आपको डेमो के रूप में क्वेश्चन मिलते हैं, तो कुछ समय के बाद जो है ये जीके के भी जो है आपको पूरे एनालिसिस कराए जाएंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जरूर ही बने रहिएगा, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।